आज न्यूज वर्ल्ड की खास पेशकश न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। इस खास पेशकश में हमारा फोकस उन खबरों पर होता है जो कई बार प्रभावी अंदाज में आप तक नहीं पहुंच पाती। खबरों की तह तक जाकर उनमें छिपी हकीकत को जानने के लिए पेश है न्यूज स्पेशल। जनप्रतिनिधियों पर अक्सर ये लोगों की उपेक्षा करने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन बुरहानपुर में एक पार्षद ऐसे हैं जिनके लिए समाज सेवा ही सब कुछ है। ये पार्षद हैं अमर यादव, जो मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं। ये अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हर साल एक नया कुआं खुदवाते हैं। सालों से मुन्ना भाई ये नेक काम करते आ रहे हैं। मुन्ना भाई पिछले 15 साल से यहाँ के लालबाग चिंचाला से पार्षद हैं। मुन्ना भाई अब तक क्षेत्र में 7 कुएं खुदवा चुके हैं। जनसेवा का ये उनका काम लगातार जारी है। पानी का संकट लगभग 4 वर्षों से लगातार चले आ रहा है। वो मेरे पार्षद बनने के बाद मेरे वार्ड में भी पानी का संकट गरमा है, जबकि मेरे वार्ड में कुंडी भंडारा है, पर जल स्तर नीचे गिरते चले जा रहा है और पानी की समस्या इतनी ज़्यादा अधिक हो रही है। ये जो कुएँ 7 मेरे वार्ड में जो खुद रहे हैं, हर वर्ष एक कुआँ का प्रस्ताव लाता हूँ मैं, और लगभग अब 3 नए कुएँ खुद गए, उसको मिला के 7 कुएँ में पहले के 4 कुएँ थे जिसका गहरीकरण किया गया। ये सब कुछ नगर निगम द्वारा ही किया जा रहा है। तो ये हैं पार्षद अमर यादव, जिनकी मेहनत और उनकी कोशिशों का ये नतीजा है कि उनके क्षेत्र में 7 कुएं खुद चुके हैं। हर साल वो एक नया कुआं खुदवाते हैं ताकि उनके क्षेत्रवासियों को पेयजल का संकट ना रहे। इतना ही नहीं, सिर्फ ये जवाबदारी उनकी नहीं है कि वो सिर्फ कुएं खुदवाने के लिए नगर निगम तक ये प्रस्ताव लेके आते हैं और प्रस्ताव पास करवाकर नगर निगम द्वारा ये कुएं खुदवाते हैं, बल्कि खुद भी श्रमदान करते हैं। पूरी तरह से वो समर्पित हैं इस काम के लिए और खुद आगे रहकर ये काम वो करवाते हैं। पुराने कुओं का भी वो गहरीकरण करवा चुके हैं। क्षेत्र को पानी की किल्लत से दूर करने का ये नेक काम उन्होंने शुरू किया है। पिछले 15 साल से अमर यादव यहाँ के पार्षद हैं और अपने क्षेत्र की जनता की खुशहाली ही उनका मकसद है। कई सालों से उनके इलाके में पानी की समस्या विकराल रूप धारण करती आ रही थी। यही वजह है कि उन्होंने नए कुएं बनवाने का संकल्प लिया और हर साल वो एक कुआं खुदवा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि उनके क्षेत्र में अब पेयजल संकट जैसी कोई चीज रह नहीं गई है। लोगों को पर्याप्त पानी मिलता है पीने का। और पार्षद मुन्ना यादव, जो मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं, अमर यादव इनका नाम है, इनके प्रयासों की हर एक शख्स यहां रहने वाला प्रशंसा किए बगैर नहीं रहता। सबका ये मानना है कि अमर यादव की कोशिशों का ही नतीजा है कि अब उनके क्षेत्र के लोगों को पानी के संकट का सामना नहीं करना पड़ता, गर्मी के दिनों में खासकर। और ये काम उनका लगातार जारी है। हर साल वो नया कुआं खुदवा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुद वो आगे रहकर श्रमदान भी करते हैं और मजदूरों के साथ मिलकर वो इस काम में हाथ भी बटाते हैं, ज़रूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। नगर निगम भी उनकी इस पहल को मानता है। यही वजह है कि उनकी कोशिशें जो हैं सफल हो रही हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से अमर यादव दीपक सुहेले हमारे संवाददाता हैं बुरहानपुर के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये जो नेक पहल शुरू की है अमर यादव ने नए कुएं खुदवाने की, और जो तस्वीरें में हमने खुद देखा कि वो खुद आगे रहकर इस काम में सहयोग करते हैं, श्रमदान करते हैं और नगर निगम से ये प्रस्ताव पारित करवा कर अपने क्षेत्र में कुओं का लगातार निर्माण करवा रहे हैं, क्या कहती है यहाँ की जनता और क्या कहते हैं पार्षद दीपक? जी यहाँ की जनता को तो बहुत खुश है इनके कार्य को देखते हुए, और जैसा कि ये बचपन से ही इस कार्य में जुड़े हुए हैं, कुआं खुदवाने से लेकर के उनको हर चीज कुओं की हर नॉलेज है इनके पास, जिसका यहाँ पर जो ठेका होता है कुएं का
जी जी, उसके जो कारीगर मजदूर ठेकेदार है ये भी इनसे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं जी जी, और स्वयं ये कुओं का निरीक्षण करते हैं कितना कुआ खुदा है क्या है हर प्रकार से, मतलब इनको कुओं का डॉक्टर कहा जाता है जी जी, कुओं का डॉक्टर कहा जाता है इनको, इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कुआं बनवाने में कि अब लोग बाग भी जो हैं वहाँ इनकी सलाह मशवरे से ही जो है कुओं का निर्माण करवाया जाता है। कब से इन्होंने शुरुआत की, क्या कैसे मन में आया इनके कि क्षेत्र की जनता को पेयजल संकट से मुक्ति दिलाना है तो कुएं बनवाए जाएं, ये कब इनके मन में ये विचार आया और इसको अमली जामा उन्होंने पहनाया? ये तो बचपन से इनका शौक है कि लोगों के लिए जो मदद कर सकते है हर प्रकार से मदद करना चाहते है, और जिस प्रकार से हमपुर जिले में पानी की समस्या ज्यादा बड़ी है और यहाँ का वाटर लेवल भी बहुत ज्यादा नीचे चला जा चुका है जी जी, तो जिसको दूर और इन जो लालबाग वार्ड है वहाँ पर तो बहुत ज्यादा पानी की समस्या है जी जी, तो उसको देखते हुए उन्होंने इस प्रकार के नई पहल शुरू की है जी जी, अभी तक लगभग इन्होंने 7 कुएं खुदवा चुके हैं जी, और कोई कुएं यदि बंद पड़ा हुआ है तो उसको भी गहरीकरण चालू करवाने के लिए गहरीकरण कर चालू करवाते हैं। दीपक एक बात है, ये जो नेक पहल उन्होंने की है अपने क्षेत्र की लोगों को वो पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने कुएं बनवाने का काम शुरू किया है, 7 कुएं वो बनवा चुके हैं, बुरहानपुर में और भी कई इलाके होंगे जहां पानी की कमी और पेयजल संकट से गर्मियों में लोग जूझते होंगे, तो इनको देखकर इनका अनुसरण करके और भी पार्षद या और भी जनप्रतिनिधि आगे आए हैं कि वो भी अपने क्षेत्रों में कुएं खुदवा के या किसी तरह से पेयजल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए अन्य कोई उपाय इनको देखकर वो कर रहे हों? अभी तक तो ऐसा कोई आगे नहीं आया है, लेकिन जैसे जनप्रतिनिधि कोई और अन्य है वो इस पहल में आगे आए हैं, और विधायक सांसद इस प्रकार से ये लोगों ने भी कुछ मदद की है और इस प्रकार के सहयोग को सराहनीय बताते हुए इनके साथ में जुड़ चुके हैं जी जी। तो दीपक क्या सिर्फ जी सिर्फ कुएं बनाने तक ही सीमित हैं या क्योंकि क्षेत्र के पार्षद हैं उतने इलाके का प्रतिनिधित्व वो करते हैं तो और भी क्या कुछ जनसेवा के काम उन्होंने अपने हाथ में ले रखे हैं अपने क्षेत्र के रहवासियों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए या मूलभूत सुविधाओं के इजाफे के लिए वो क्या कुछ और कर रहे हैं इसके अलावा? नहीं, ये तो हर प्रकार से जनता को सहयोग प्रदान करते हैं और केवल वार्ड के लिए नहीं, जैसे शहर में जिले में जहां भी पानी की जरूरत होती है आवश्यकता होती है कि वहाँ पर निशुल्क पानी का टैंकर इन्होंने स्वयं अपने खर्चे से खरीदा है और वहाँ पर पहुँचाते हैं जी, और पानी की पूर्ति करते हैं जी। बहुत नेक काम होता है प्यासों को पानी पिलाना, ये कहा जाता है कि प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा नेक काम कोई नहीं है, और ये काम इन्होंने अमर यादव पार्षद जो हैं उन्होंने अपने हाथ में लिया है, तो सिर्फ अपने ही क्षेत्र में नहीं कहीं भी बुरहानपुर में कहीं पेयजल संकट आता है पानी की कमी उन्हें दिखाई देती है तो वो अपने निजी खर्चे से पानी वहां तक पहुंचाते हैं, बड़ा ही नेक काम है। दीपक क्या लोग क्या कहते हैं उनके इस काम को, क्योंकि जिस तरह से उनका काम है उसी को देखकर लगता है कि 15 साल से वो यहां पार्षद हैं, साफ नजर आता है कि उनके काम को देखते ही लोगों ने उन्हें हर बार मौका दिया और अपना प्रतिनिधि वो चुनती आ रही है, लोगों का क्या कहना है उनके व्यवहार को लेकर उनके काम को लेकर क्या कहते हैं लोग? लोग भी इनके कार्य की सराहना करते हैं और इनको हर जो भी कोई मुसीबत आती है सबसे पहले इनके पास ही जाते हैं ताकि सबको ये ऐसा इनकी जानकारी ये है कि हमारे कोई भी समस्या आएंगी तो हमारे वार्ड के पार्षद जो है ये हल कर सकते हैं। बहुत ही नेक पहल है दीपक, और ये सही है कि एक किस्म से वो मिसाल बन गए हैं, यदि इसी तरह से जनप्रतिनिधि अपनी क्षेत्र की जनता के लिए लोगों की भलाई के लिए आगे आए तो इस देश को समाज को बहुत कुछ बदला जा सकता है, और अपने आप में अमर यादव मिसाल बन गए हैं कहना गलत नहीं होगा, क्या कहेंगे दीपक? जी, जिस प्रकार से ये अपने क्षेत्र में नहीं पूरे जिले में इनके नाम से लोग इनको मटिया के नाम से जानते हैं जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो इनका जो है समाज सेवा का काम पार्षद अमर यादव का लगातार जारी है, जनसेवा को ही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है, और पार्षद हैं वो यहाँ के, लिहाजा और जिम्मेदारी से वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और खास तौर से प्यासों को पानी पिलाने का वो जो नेक काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात है और उनको दूसरों से अलग करती है। अब बात आस्था और अंधविश्वास की,
हमारा देश आस्थाओं का देश है, लेकिन आस्था के साथ अंधविश्वास जुड़ जाए तो इसको क्या कहा जाए। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों में उनकी परंपरा संस्कृति के साथ आस्था और अंधविश्वास भी जुड़ा देखा जाता है। मामला कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर की ग्राम पंचायत बोगर का है, जहां पत्थर की मूर्तियों को लेकर आदिवासियों की अजब गजब मान्यता है। प्राचीन काल की इन पत्थर की मूर्तियों की आदिवासी बड़ी शिद्दत से पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है किसी शक्ति से वशीभूत राजा की सेना पत्थर में तब्दील हो गई थी। कहा यह भी जाता है इन प्रतिमाओं को जो भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो जीवित नहीं रहता। हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन जिस तरह यहाँ के आदिवासियों के लिए ये मूर्तियां आस्था का केंद्र हैं और जो कहानी बताई जाती है वो कौतूहल तो जगाती ही है। बोलते हैं ना, उससे पहले के या पीछे के उसको नहीं जानते हैं, लेकिन है मूर्ति और मूर्ति में बहुत शक्ति है। हम दशलक पुनी में मतलब इसको धूमधाम से मानते हैं, बहुत जोर से बारह गांव के सभी लोग सकलाते हैं यहाँ, और यहाँ से देवी देव ले जा कर के वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद शाम को फिर वापस आते हैं। जो मूर्ति ले जाने पर बहुत घटना होता है, ये मूर्ति यहाँ कैसे आया कुछ पता चल बताते हैं यहाँ कैसे जो सियान है हम लोग नहीं पता, लेकिन सामने लोग बोलते हैं बुजुर्ग लोग कि बहुत पहले आए थे। ये मूर्ति में पूजा पाठ भी होता है यहाँ पे? हाँ होता है, सिर्फ दशहरा बारह माह चल रहा था, लेकिन दशहरा मान त्योहार मानते हैं, एक ही दिन यहाँ पूजा होती है। हाँ दशहरा ऐसे भी कुछ बातें हैं कि मूर्तियों को यहाँ से छेड़छाड़ किया गया था, किसी ने गर्दन काट दी थी मूर्ति की, तो कुछ घटना भी हुई थी गाँव में। हाँ बाहर मस्सी रात। राजेंद्र वाजपेयी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं। राजेंद्र क्या कहेंगे इसे, आस्था कहेंगे अंधविश्वास कहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ जो खबर सामने आई कि इन मूर्तियों को लोग पूजते हैं और बताते हैं कि इन मूर्तियों को यदि कोई नुकसान पहुंचाए तो उस पर विपत्ति आती है, क्या कुछ हकीकत है और क्या कुछ फसाना है बताएंगे आप? बस्तर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये है कि बस्तर में जो लोगों की आस्था है जनास्था वो विज्ञान और अंधविश्वास पर पूरी तरह से भारी है, और इसके लिए हमें बस्तर की प्राचीन पृष्ठभूमि की ओर जाना पड़ेगा। बस्तर अपनी सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं के अलावा तंत्रवाद के लिए भी जाना जाता था, और गुप्त काल छठी सदी में जब गुप्त काल के शासक थे वो भी बस्तर आए थे, और इसकी पुरातात्विक अवशेष इस बात को प्रमाणित भी करते हैं, और उस समय तंत्रवाद का काफी प्रभाव हुआ। दरअसल मध्यकाल से बस्तर तंत्रवाद पूरे भारत में आया, और वो उड़ीसा के रास्ते बस्तर में भी आया, तो इस तंत्रवाद से प्रभावित होकर लोग अपनी खेतों में उपज बढ़ाने के लिए, धन धान से परिपूर्ण रहने के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए अपने जो विरोधी है या जो भी तंत्रवाद के ज्ञाता थे उनका सहारा लेते थे, और उनके माध्यम से ये सारे कार्य किए जाते थे। और अगर कहा जाए तो ये भी सही है कि बस्तर के वनांचल में तंत्रवाद बुरी तरह फैला, और 1000 साल पहले छिंदक नाग शासकों के काल में मधुरांतक देव ने यहाँ जो है बस्तर में जो कौलाचारी साधुओं के लिए एक राजस्थान में दिया था, और इसका प्रमाण राजपुर में मिले कापुर प्लेट से भी होता है, और ये कापुर प्लेट आज भी नागपुर के संग्रहालय में रखा हुआ है। ये कहा जा सकता है कि तंत्रवाद से जो बस्तर के लोग प्रभावित रहे वो तंत्रवाद आज भी उसी तरीके से चला रहा है, और ये उसी का नतीजा है कि जो ये पंचायत बोगर है उसके पास जो मूर्तियां बिकी पड़ी, और ये करीब करीब बस्तर संभाग के प्रत्येक क्षेत्र में इस तरीके की पत्थर की मूर्तियां पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, जिनमें तंत्रवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और यहाँ की जो मूर्तियां उसके बारे में कहा जाता है कि ये मूर्तियों को घिस कर उसका चूर्ण लेकर जो जाता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी होती है, और ये कहा जाता है कि ये 6वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी के आसपास यहाँ का जो राजा था चक्र तंत्र राज वो उसकी तंत्र साधना का यहाँ केंद्र था, और उसकी सेनापति के रूप में काल भैरवी उसकी सेनापति रही है। उस दौरान किसी कारणवश काल भैरवी के रुष्ट होने के बाद में संभवतः ये पत्थर की शिलाओं में परिवर्तित हो गई उनकी सेना और राजा, और उसके बाद यहाँ के लोग आज भी उसकी बाकायदा पूजा अर्चना करते हैं और उसी माध्यम से उनको जानते हैं। और ये जो अंधविश्वास कहा जा सकता है तो वो उनका अंधविश्वास उनकी आस्था है, और उस आस्था पर हम भी चौक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि सदियों से बस्तर का जो इलाका रहा है वो इन
आस्था और तंत्रवाद से और अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं से ओत पोत रहा है। राजन जी, एक बात जो देखने में आती है कि तंत्रवाद वहां हावी रहा, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज भी लोग आस्था के नाम पे या अंधविश्वास उनका कहें कि इन सब चीज़ों को मानते हैं, लेकिन जो मूर्तियों की तस्वीरें हमने देखी वो निश्चित तौर पे जो कहना चाहिए कि पुरातात्विक महत्व की हैं, और इनकी जो कलाकारी है और जिस खूबसूरती से इन मूर्तियों को गढ़ा गया है, तो इसका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी है। तो क्या कभी किसी सरकार ने या पुरातत्व विभाग के किसी जिम्मेदार ने इस तरफ ध्यान दिया, क्योंकि जिस तरह से ये बेशकीमती मूर्तियां यहाँ जंगल में बिखरी पड़ी हैं, तो इनका संरक्षण भी जरूरी है, क्या कहेंगे आप? आपका कहना बिल्कुल सही है। बस्तर के छप्पन छप्पन इस तरीके की मूर्तियाँ जो बड़े सुगलता से गढ़ी गई हैं, और वो उनकी अपनी एक ऐतिहासिक और जो है जी वो परंपरा भी है, तो ये इन मूर्तियों को लेकर जो प्रदेश का पुरातत्व विभाग है वो पूरी तरह से उसने इसकी उपेक्षा की है। केवल बस्तर में एक संग्रहालय बना दिया गया है जहाँ कुछ जानी मानी मूर्तियां लाकर उसमें रखी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो बस्तर में जिस तरीके से पुरातात्विक महत्व की मूर्तियां चप्पे चप्पे पर है, उन सारी मूर्तियों का अगर यहाँ लाया जाए और इकट्ठा किया जाए तो बस्तर और इस पर शोध बहुत अच्छा संग्रहालय भी बनाया जा सकता है। शास्त्रियों से और इतिहासकारों से भी निवेदन करूंगा कि वो बस्तर आए और बस्तर की भूमि को उस पर शोध करें, ताकि ये राजन जी हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। जी जी राजन जी हमारे साथ जी राजन जी हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। आप एक ऐसी परंपरा भी है जिसमें देवी को मूर्ति जी भी चढ़ाते हैं। जी जी राजन जी हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। इस तमाम चीज़ के जानकार, इन पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों के जानकार नीरज तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत नीरज जी। क्या कुछ ये इसको क्या कहेंगे, आस्था कहेंगे, क्या कहेंगे? विज्ञान तो इन सब चीज़ों को मानता नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये मूर्तियाँ जो हैं बहुत ही नायाब हैं, पुरातात्विक महत्व की हैं, और कहा जाए तो एक जो हमारी प्राचीन कला और संस्कृति की द्योतक भी हैं ये। तो इस तरह से जो बिखरी पड़ी हुई हैं ये, कोई ध्यान नहीं है सरकार का ना किसी का। अब जो आदिवासी जो लोग हैं वो अपनी इनकी आस्था और अंधविश्वास से इसको जोड़कर वो देखते हैं और उनकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन क्या कहना चाहिए सरकार को और क्या कुछ करना चाहिए पुरातत्व विभाग को, क्योंकि ये इस तरह से तो ये हमारी धरोहर जो है वो नष्ट हो जाएगी किसी रोज। सर देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है जिसको पाटदेव नाम से जाना जाता है। जी जी, है ना। ये भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत भोगर से विनायकपुर जाने के रास्ते पर बना हुआ है। जी जी, ये काफी प्राचीन मूर्तियां हैं। इसको लगभग विजयदशमी के दिन 12 गांव के जो ग्रामीण है, 12 गांव के ग्रामीण उस स्थान पर वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं। ये जो मूर्ति थी, ये मूर्ति जो है ये सैकड़ों की संख्या में थी, जो पत्थर की बनी मूर्तियां हैं। राजा अपनी जंग से तैयारी के साथ साथ जैसे निकल रहे हैं उस वो दिखा हुआ है। जी जी जी। इसमें क्या हुआ, अचानक शक्ति ने उसे प्रेशर वो किया तो वो जो शिला रूप में बन चुकी है, ऐसी दिखती है मूर्तियां। और लोगों की इतनी ज्यादा आस्था है वहाँ पे, क्योंकि क्या है, वहाँ के जो ग्रामीण है, वहाँ के जो लोग है, वो यही कहते हैं कि ये हम एक देव के रूप में इसको पूजते हैं। जैसे क्या होता है, बस्तर अंचल खासतौर पे क्या एक देवी देवताओं का वास माना जाता है। जी जी, राम जी भी इसी मार्ग से होके वनवास काटे। दंडकारण्य का ये इलाका है, इस इलाके में लोगों की अच्छी मान्यता यही रहती है कि जो बस्तर के देवी देवता है उनको वो पूजे जाए, इसके तरह इनको पूजा की जाती है, पाटदेव नाम से ये जाना जाता है। जी जी, शिला रूप में ये बनी हुई है। वर्तमान में इसकी आज भी गाँव वाले पूजा करते हैं, मेले वगैरह का आयोजन करते हैं। मेले में इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आपको एक बात और बताना चाहूंगा, विशेषकर एक बार ऐसा कोई घटना हुई थी जिसमें जो पाटदेव है उनकी किसी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था। जी जी। तो जब मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, उस दौरान किसी ग्रामीण ने उस मूर्ति को खंडित करके अपने साथ उसके आधे अवशेष को लेकर चले गए थे। उस दौरान किसी ग्रामीण की मौत हो गई थी। जैसे ही इस बात की भनक जैसे ग्रामीणों को लगी, ग्रामीण एकत्रित होकर उसकी मूर्ति की पूजा अर्चना कर वहाँ पे देवी देवताओं से विशेष चर्चा की गई, जहाँ से ये पता चला कि मूर्ति जो है खंडित हो गई है, जिसका एक भाग जो है किसी ग्रामीण द्वारा ले गया गया। उस मूर्ति को लेकर आए, फिर से वहाँ विराजमान किए, फिर से वहाँ जोड़े, अर्जी विनती करने के बाद ऐसी स्थिति है
जी लोगों की इसमें और ज्यादा गहरिया। जी जी नीरज जी, एक बात और कि जिस तरह से ये जो मूर्तियां यहाँ पे खुले में बिखरी पड़ी हुई हैं और जो आस्था भी है उसके पीछे किंवदंतियां भी हैं, कहानी भी हैं, किस्से भी हैं, और जाहिर सी बात है लोगों की आस्था का केंद्र है, तो क्या ऐसा नहीं लगता यदि सरकार आगे नहीं आती इनके संरक्षण के लिए या पुरातत्व विभाग या संबंधित विभाग इसकी देखरेख नहीं करते, तो यहाँ पर एक इन्हें व्यवस्थित तरीके से रखा जा सके, एक स्थान बनाया जा सके ताकि इनका संरक्षण भी हो और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है तो वो भी यहाँ के अपने से जो करना चाहिए। कहना बिल्कुल सही है। देखिए क्या है, खासतौर पर बस्तर अंचल में काफी प्राचीन मूर्तियां मिलेगी आपको। जी जी है ना, कांकेर जिले के आसपास आप जैसे गड़िया पहाड़ ले लीजिए, वहाँ पे भी प्राचीन मूर्तियां हैं। आज ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे कोई कितने साल पुरानी है ये भी हम नहीं बता सकते। ऐसी कांकेर जिले के भंडारीपारा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां पड़ी हैं। जैसे आप अभी वर्तमान में इसी को देख लीजिए, भानु प्रतापपुर का ये जो मामला जो है, इसमें भी काफी प्राचीन मूर्तियां। पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं देने के कारण क्या है, ये जो मूर्तियां हैं और जो है देखरेख के अभाव में जैसे बिखरी हुई है, बस वैसी बिखरी पड़ी हुई है। अगर उसको मान लो अच्छा देखरेख किया जाता और स्थानीय स्तर पे भी मान लो अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान देता तो काफी अच्छा एक पर्यटन स्थल के क्षेत्र से भी डेवलप हो सकता है। जी जी नीरज जी, एक बात और, ये जो आप जैसा बताया जाता है कि विजयदशमी के मौके पर 12 गांव के लोग यहां आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मेला लगता है, तो क्या सारे लोग मिलकर इन्हें व्यवस्थित रूप से रख के कोई एक जो कहना चाहिए इनका एक बढ़िया शेल्टर बना के या इन्हें देख रेख इनकी थोड़ी सी की जाए, एक व्यक्ति वहाँ कोई हो जिस तरह से ताकि खासतौर पे ये क्या ग्रामीण इलाका है, इन ग्रामीण इलाकों में खासतौर पे क्या होता है, ये नक्सल इफेक्टेड क्षेत्र में कुछ क्षेत्र आते हैं जो डेवलप नहीं हो पाते, शासन प्रशासन की और साथ साथ ग्रामीण भी उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो ये अंदर जंगली इलाके होते हैं, इन जंगली इलाकों में विकास की जो योजनाएं है वो काफी धीमी गति से पहुंचती है। आज भी जैसे मान लो इस गांव में अगर वो जो मूर्तियां हैं वो काफी जंगल के अंदर है, पहले बहुत घना जंगल था, अभी वो जंगल थोड़ी सी कम हो गया है, तो जंगल के रास्ते से ग्रामीण जो है पटरंजी बनाकर धीरे धीरे जैसे जैसे करके अभी साफ सफाई कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। वस्तुतः क्या होती है, इसकी जो पूजा अर्चना है वो मुख्यतः शाम को एक दीप जलाकर की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जब पूजा करनी होती है तो जैसे दशहरे का पर्व हो गया, अन्य कोई पर्व हो गया या देवी देवताओं का मिलन समारोह हो गया, उस दौरान इसकी पूजा अर्चना करते हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि काफी अच्छा विकसित हो, कि लोग यहाँ पे आए दर्शन करें, पाठ देव के लिए कम से कम एक आशीर्वाद, सब पाठ देव सबको आशीर्वाद प्रदान करें, लेकिन क्या भाई उदासीनता जो है प्रशासन जी जी ध्यान दिया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी इस तमाम जानकारी के लिए। हम भी उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारी धरोहर है, जो इतिहास को बताती है, हमारे समृद्ध इतिहास को बताती है, हमारी समृद्ध मूर्ति कला को बताती है, और पुरातत्व महत्व की जो प्रतिमाएं हैं इनको संरक्षित करने की दिशा में जिम्मेदार और सरकार भी कभी ना कभी तो आगे आएंगी। फिलहाल यहाँ के लोगों की आस्था भी इससे जुड़ी है, इसे अंधविश्वास कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम अंधविश्वास का कोई भी बढ़ावा नहीं देते हैं, अंधविश्वास को ना ही हमारा मकसद है कि अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाए। न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ, नमस्कार। कार्यक्रम के प्रायोजक थे पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।